हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पेंड वाइजली। दोस्तों, पिछले दिनों एक्सिस बैंक ने एयरटेल के साथ मिलकर एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था जिसका नाम है एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। और ये कार्ड काफी पॉपुलर होता जा रहा है इसके कैशबैक रेट्स और सिंपल टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए। इसके चार्जेस जो है वो भी काफी कम है। मैंने भी ये कार्ड अप्लाई किया था और मुझे वो कार्ड मिल भी गया है। उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि कैसे मुझे कार्ड मिला, उसके बेनिफिट्स क्या है और वो सब। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस क्रेडिट कार्ड के साथ मुझे एक एड ऑन क्रेडिट कार्ड भी मिला है। दोस्तों, आप सभी को भी आश्चर्य हो रहा होगा क्योंकि एक्सिस बैंक काफी टाइम से कह रहा है कि हमने एड ऑन क्रेडिट कार्ड इश्यू करना बंद कर दिया है। ना तो फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड के साथ, ना ही अपने वो किसी और क्रेडिट कार्ड के साथ कोई एड ऑन क्रेडिट कार्ड दे रहा है। तो आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ कि कैसे मुझे एयरटेल क्रेडिट कार्ड के साथ में ये एड ऑन क्रेडिट कार्ड मिला और आप में से किसको एयरटेल क्रेडिट कार्ड के साथ में ये एड ऑन क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आए। सो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब एड ऑन कार्ड पर जाने से पहले जिन लोगों को इस एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में नहीं पता है उनको मैं क्विकली इसके बेनिफिट बता देता हूँ। सो एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड जो है, इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके एयरटेल थैंक्स ऐप पे आप किसी भी एयरटेल सर्विस के लिए पेमेंट करते हैं, चाहे वो एयरटेल का ब्रॉडबैंड कनेक्शन हो, चाहे वो एयरटेल का प्रीपेड या पोस्टपेड मोबाइल रिचार्ज या मोबाइल बिल पेमेंट हो, या फिर एयरटेल का डीटीएच का रिचार्ज हो। इन सारे पेमेंट्स पर आपको 25% मतलब 25% तक कैशबैक मिलता है, अप टू 300 रुपीज पर मंथ। मतलब 1200 रुपए तक का आपने पेमेंट महीने में किया है एयरटेल सर्विसेज पर एयरटेल थैंक्स ऐप के थ्रू ये क्रेडिट कार्ड यूज करके, तो आपको 25% कैशबैक मिलेगा। और ये जो कैशबैक है ये रियल कैशबैक है, ये आपको अगले महीने की स्टेटमेंट में आएगा। इसके अलावा आप अगर यूटिलिटी बिल पेमेंट्स मतलब गैस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल और वाटर बिल, इस तरह के बिल पेमेंट अगर आप एयरटेल थैंक्स ऐप के थ्रू करते हैं इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके, तो आपको 10% का रियल कैशबैक मिलेगा। और यहाँ भी अलग से 300 रुपया पर मंथ की लिमिट है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके कुछ पार्टनर ब्रांड्स है, अभी जो पार्टनर ब्रांड्स है वो है बिग बास्केट, स्विगी और जोमेटो। इस पर अगर आप शॉपिंग करते हैं तो आपको अलग से 10% का कैशबैक मिलेगा। और यहाँ कैशबैक की जो मंथली लिमिट है वो 500 रुपीज है। मतलब इन तीनों ब्रांड्स पे आप शॉपिंग करेंगे और इस क्रेडिट कार्ड को आपने यूज किया है तो 10% कैशबैक अप टू 500 रुपीज पर मंथ आपको मिलेगा। और यहाँ ये तीन ब्रांड जो है वो टाइम टू टाइम चेंज भी हो सकते हैं, ये टेम्प्रेरी ब्रांड हो सकते हैं, बट ऐसे ब्रांड्स हमेशा इसमें रहेंगे। इसके अलावा आप कहीं भी शॉपिंग कीजिए ऑनलाइन या ऑफलाइन इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके, तो आपको 1% का कैशबैक मिलता है अनलिमिटेड। मतलब उसमें कोई अपर कैपिंग नहीं है। इसका जो एनुअल फी और ज्वाइनिंग फी है वो 590 रुपये है जीएसटी मिला के। और इस कार्ड को ज्वाइनिंग करने पर आपको, आप इसको एक्टिवेट करते हैं और फर्स्ट ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको एक 500 रुपये का अमेजोन पे का गिफ्ट वाउचर जो है वो आपको मिलेगा। मतलब फर्स्ट ईयर में आपको इफेक्टिवली सिर्फ 90 रुपये चार्ज लगना है। और अगर आपने पहले साल में 2 लाख रुपये से ज़्यादा खर्च किया तो आपको नेक्स्ट ईयर का रिन्यूअल फी जो है वो भी नहीं लगना है। इसके अलावा आप डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर जाते हैं तो आपको 4 एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस फ्री मिलेंगे एवरी ईयर। तो ये सारे बेनिफिट्स है, काफी अच्छे बेनिफिट्स है, स्ट्रेट फॉरवर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस है और रियल कैशबैक है। और अगर आपके पास एयरटेल के प्रोडक्ट्स हैं तो आपकी जो एनुअल चार्जेस है वो तो काफी इजीली रिकवर हो जाएंगे। सो दोस्तों, अब आते हैं इन एड ऑन क्रेडिट कार्ड्स पर। सो अब मैं बताता हूँ कि एड ऑन क्रेडिट कार्ड मुझे कैसे मिला। तो दोस्तों, मैंने ये जो क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था वो मैंने अपने एक्सिस बैंक के फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड की बेसिस पे अप्लाई किया था। मतलब जिनके पास एक्सिस बैंक का ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड है वो कस्टमर केयर पे कॉल कर सकते हैं और एयरटेल का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कॉल पर ही वो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं और आपको अगले 5 से 6 दिन में जो है कार्ड इश्यू होकर आपके घर पे डिलीवर भी हो जाता है। उसकी लिमिट आपकी वही रहेगी जो आपका एग्जिस्टिंग एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड की, मतलब दोनों क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है कॉमन होती है, मर्ज लिमिट रहती है। अब अगर आपके एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड का ऑलरेडी एड ऑन क्रेडिट कार्ड आपका बना हुआ है और आपके पास है तो आपको एयरटेल क्रेडिट कार्ड के साथ भी एड ऑन क्रेडिट कार्ड अपने आप ही आएगा। मेरे पास एक्सिस बैंक का जो फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड है उसका एड ऑन क्रेडिट कार्ड भी है। अभी एक्सिस बैंक के फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड पर वो एड ऑन क्रेडिट कार्ड नहीं दे रहे, बट जब मैंने ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था 2 साल पहले तब उस पर एड ऑन क्रेडिट कार्ड वो दे रहे थे। तो इसलिए मेरे पास एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड के साथ भी एड ऑन क्रेडिट कार्ड है। उसके बेसिस पे एयरटेल के क्रेडिट कार्ड के साथ उन्होंने मुझे बाय डिफॉल्ट बिना किसी एडिशनल रिक्वेस्ट के ओरिजिनल कार्ड रिसीव होने के 2 दिन के बाद ये एड ऑन क्रेडिट कार्ड भी मुझे भेजा था और वो मुझे मिल गया है। दोनों के डिफरेंट क्रेडिट कार्ड नंबर्स हैं
मतलब आप इनको इंडिपेंडेंटली यूज कर सकते हैं, एयरपोर्ट लाउंज का एक्सेस कर सकते हैं, मतलब आपके फैमिली मेंबर जो है वो भी एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस कर सकते हैं, बट ओवरऑल आपके एयरपोर्ट लाउंज की जो लिमिट रहेगी वो वही साल की 4 रहेगी दोनों क्रेडिट कार्ड्स को मिला के। इसके अलावा एक्सिस बैंक के जो डबल क्रेडिट कार्ड रहते हैं उसकी एक और स्पेशलिटी ये रहती है कि जब एक्सिस बैंक का कोई ऑफर आता है कि आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है और उसमें 1000 रुपीज की लिमिट रहती है, तो दोनों एड ऑन क्रेडिट कार्ड और मेन क्रेडिट कार्ड पर वो अलग अलग आप यूज कर सकते हैं। मतलब एक क्रेडिट कार्ड की लिमिट आपने एग्जॉस्ट कर लिया ऑफर की तो दूसरा क्रेडिट कार्ड जो है वो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। सो ये एड ऑन क्रेडिट कार्ड के एक्स्ट्रा फायदे रहते हैं। सो अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है और उसका एड ऑन क्रेडिट कार्ड भी है तो अगर आप एयरटेल क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो आपको एड ऑन क्रेडिट कार्ड जो है वो भी अपने आप ही मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था एक्सिस बैंक के एयरटेल क्रेडिट कार्ड के बारे में और उसके एड ऑन क्रेडिट कार्ड के बारे में। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी ऐसा कोई इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर आता है तो आपके पास नोटिफिकेशन आए। थैंक यू, बाय बाय।